हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुप कुमार और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किसी भी जमीन की पूरी डिटेल नेट से कैसे निकाली जाती है, जिसे हम खतौनी निकालना भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप कहीं जमीन लेना चाहते हैं तो आपको खतौनी जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उस जमीन पर कितने लोगों का हक है, या फिर कहीं वो जमीन गिरवी तो नहीं रखी गई है, या फिर उस जमीन पर बैंक वालों का कब्जा तो नहीं है। कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोग बैंक से लोन ले लेते हैं और सही समय पर वापस नहीं कर पाते, तो बैंक उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। तो चलिए जान लेते हैं कि खतौनी कैसे नेट से निकाली जाती है। दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन या फिर टैबलेट में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। चलिए मैं अपने लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और क्रोम ब्राउज़र में गूगल टाइप करके गूगल को ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, हमारे सामने गूगल ओपन हो रहा है और गूगल ओपन हो चुका है। तो चलिए मैं गूगल में टाइप कर देता हूँ भूलेख, और आपको जिस भी स्टेट का चेक करना है आप अपने स्टेट का नाम वहाँ पर टाइप कर देंगे। तो चूंकि मुझे यूपी का चेक करना है तो मैं यूपी टाइप कर देता हूँ और गूगल सर्च कर लेता हूँ। देखिए, यूपी की भूलेख की ऑफिशियल साइट हमारे सामने आ चुकी है। दोस्तों, मैंने भूलेख की ऑफिशियल लिंक को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से सीधा रिडायरेक्ट हो सकते हैं। चलिए मैं इस पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। अब हमारे सामने भूलेख की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो रही है और ओपन हो चुकी है। आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो चलिए मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट है प्रयागराज, तो मैं पहले प्रयागराज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर अपने तहसील का नाम सेलेक्ट करना है, तो चूंकि मेरे तहसील का नाम मेजा है तो मैं मेजा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेजा के सभी क्षेत्र आ गए हैं, तो यहाँ पर कई सारे गांव हैं, तो चलिए नाम का पहला अक्षर टाइप करके शॉर्टकट में खोज लेता हूँ। अब देखिए, मेरा गांव यहाँ पर आ गया है, तो चलिए मैं अपने गांव को सेलेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलता है, चाहे तो आप गाटा संख्या या फिर खसरा संख्या देकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर अपने खाता संख्या को देकर देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप अपने नाम से भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं नाम से खोज लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर और यहाँ पर नाम के पहले अक्षर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और खोजे पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए, अब हमारे सामने सर्च हो रहा है और सर्च हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे जितने नाम हैं सारे नाम आ गए हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको ये जो अलग सेपरेट कीबोर्ड आपके डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर ही सेलेक्ट करना है। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का कीबोर्ड इस समय नहीं काम करेगा। तो चलिए मैं यहाँ से पूरा नाम टाइप कर देता हूँ। और खोजे पर फिर से क्लिक कर देता हूँ। जो हमने यहाँ पर नाम डाला है उससे रिलेटेड काफी सारे नाम आ गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इस नाम को सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर उद्धरण देखे पर क्लिक कर देता हूँ। इस नाम से मैंने सर्च किया था, उस नाम से हमारे सामने पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई है, किस किस के नाम पे है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके गांव का नाम दिखाई दे रहा है और ये आपका परिगना है और तहसील जनपद, यहाँ पर फसली वर्ष दिखाई दे रहा है और ये रहा आपका खाता संख्या 832। तो देखिए, खाता संख्या 832 की पूरी डिटेल हमारे सामने ओपन हो चुकी है। ये टोटल आपकी ज़मीन है 0.3970 हेक्टेयर। ये ज़मीन जिसके हक में है उनका नाम यहाँ पर आ गया है। और ये जो खसरा संख्या है ये 3 पार्ट में डिवाइड है जमीन। गैज, यहाँ पर हमेशा आपको हेक्टेयर में दिखाई देता है, आप चाहें तो गूगल में जाके इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और ये आदेश है,
अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये जमीन न ही बेची गई है और न ही इस जमीन पर किसी का कब्जा है। आदेश के नीचे तभी कुछ लिखा जाता है जब कोई व्यक्ति जमीन को खरीदता है या फिर जमीन पर किसी का कब्जा होता है। और ये टिप्पणी है, टिप्पणी में जब कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति उस जमीन के खिलाफ कदम उठाता है तो वो सब कुछ यहाँ पे लिखा रहता है। सो गाइज, आज की वीडियो में आप लोगों ने जाना कि किसी भी जमीन की जानकारी कैसे निकालते हैं, यानी खतौनी कैसे देखते हैं। सो अगर हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। गाइज, हमसे जुड़ने के लिए आप YouTube को ओपन करिए, YouTube की सर्च बार में टाइप करिए क्विक एक्सप्लेन, ये जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है क्विक एक्सप्लेन का, इस पर आप क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए यहाँ से, और यहाँ जो बेल आइकन का निशान है प्रेस करिए ताकि जब कभी मैं चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।